दोस्तों, अगर आप नहीं रहते मेरी तरह देहरादून में, जिसके पास में है मसूरी, जहां पे अक्सर मैं बर्फ देख लिया करता हूं, या किसी ऐसी ठंडी जगह जहां पे बर्फ गिरती है, तो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं एक स्नो मेकिंग किट, जिससे कि आप घर बैठे इंस्टेंट स्नो बना सकते हो। तो करेंगे जिस बॉक्स को ओपन, करेंगे एक एक्सपेरिमेंट और देखेंगे क्या वाकई इस किट की मदद से हम स्नो बना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहां पे करता रहता हूं टॉयज एंड गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, बॉक्स जो उठाने में काफी हल्का लग रहा है, अगर प्राइस की यहाँ पे बात करूं तो 499 रुपए लिखा है, बट मुझे तो 250 रुपए में ये मिल गया था। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो। तो कंटेंट ज्यादा नहीं है, एक पेपर मिल जाता है यहाँ पे और इसमें लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन कैसे हमें स्नो बनानी है, और सिंपली एक स्पून और यहाँ पे कुछ हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं स्नो के। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा स्नो बनने वाली है, इसके नीचे कुछ स्नो लगी हुई, तो जल्दी से उसे निकाल लेते और उसी को देख लेते एक बार बना क्या है फाइनली इसके अंदर। तो मैं नीचे से निकाल लेता हूँ स्नो। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की हमारी स्नो दिख रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाथ में लेके, तो आपको दिख रहा होगा किस तरह की स्नो यहाँ पे बनी हुई है, और थोड़ी सी चिपचिप हो रही है यहाँ पे ऐसी, पर दिखने में थोड़ी सी स्नो जैसी लग रही है। मुझे तो स्नो कम स्लाइम जैसा लग रहा है, थोड़ी सी ऐसे स्लाइम वाली जो होती है हमारी स्नो, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि यार आपको कैसी लगी है स्नो, स्नो लगी हुई या नहीं लगी। फिलहाल किट में तो यही लिखा होता और यही बन के निकला है लास्ट में, और थोड़ी सी मेरे पास और बची हुई, एक बार कलर मिक्स करके देख लेते हैं कलर मिक्स करके क्या होता है उसमें। तो काफी देर हो गई यार इसे, 5 मिनट हो गए, एक बार देख लेते हैं स्नो कैसी जमी है हमारी। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये स्नो कम लग रही है और मुझे थोड़ी स्लाइम जैसी ज्यादा लग रही है, और बहुत ही लिची कह सकते हो इसे, और मतलब हाथ में चिपचिप कर रही है, पकड़ने का भी सही से मन नहीं कर रहा है इसको। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो स्नो वगैरह। तो फिलहाल हाथ साफ कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा ही चिपचिप हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ देहरादून के हिल स्टेशन के, और हमारी जो स्नो है वो कुछ इस टाइप की बनके निकलती है। यार ये तो एक लिसलिसा सा पदार्थ कहिए वैसा लग रहा है, कुछ अजीब सा ही लग रहा है, स्लाइम भी होती है तो खिंचती है, बट हाथ में चिपकती नहीं है। बट ये हाथ में चिपक रही थी, उससे मुझे बड़ी इरिटेशन सी हो रही थी, क्योंकि जगह जगह जहाँ भी हाथ लगा वो मिटी नहीं रही थी। फाइनली मुझे वॉश ही करना पड़ा हाथ को, तब जाके मेरे हाथ मतलब थोड़े से नॉर्मल हुए। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम है, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा किट, आपने और कोई भी किट देखा है जिससे इससे बेहतर स्नो बन सकती है। तो वीडियो यहां पे पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।